एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित रामपुर उर्फ यारपुर गांव पड़ा। लगभग 1900 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सुनील कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राथमिक विद्यालय में लगभग 20 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 4 सीसीटाइज रोड, खडंजा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 22 शौचालयों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराया है व स्कूल में मरम्मत कार्य भी कराया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 23 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास, शमशान घाट, 250 मीटर का नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों तथा सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत रामपुर संपर्क, मेरे गाँव में विकास की काफी गुंजाइश है लेकिन पैसा बहुत कम आता है। छोटी पंचायत है, बहुत कम पैसा होने की वजह से बहुत कम काम हो पाते हैं। मेरे सापेक्ष सभी पड़ोस की ग्राम पंचायतों को कई कई गुना पैसा मिला, लेकिन फिर भी मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि जो भी पैसा हो उसका बेहतर इस्तेमाल हो सके। 3-4 खड़ंजे भी कराए हैं, 3-4 नल रिबोर कराए हैं और 10 सोलर लाइट लगवाई हैं, शौचालयों का काम जारी है। अच्छा, मेरा गाँव कभी भी किसी भी शासन की समग्र विकसित योजना के अंतर्गत आज तक चयनित नहीं। अगर इस तरह के गांव चयनित हो जाते हैं तो उनमें शासन से काफ़ी पैसा पहले से लगा हुआ होता है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता है, सड़कें बनी हुई होती हैं, तो जो भी पैसा मिलता है उससे लोग स्कूलों में, दूसरी जगह साफ सफाई, सुंदरता में खर्च करते हैं, क्योंकि वहाँ फंडामेंटल जरूरतें, बेसिक जरूरतें पहले ही पूरी हो गई होती हैं। लेकिन यहाँ आज तक किसी भी समग्र विकास योजना में गाँव चयनित नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो भी पैसा मिला है वो ऊँट के मुँह में जीरे से भी कम है। अगर पैसा भरपूर मिले तो बहुत सारे कामों की गुंजाइश है। सबसे पहले बेसिक काम, सड़कें ठीक हो, गांव का ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो। मेरे गांव में करीब 400 मीटर सड़क जो बीच में, जो दोनों ने बार बार प्रयत्न किया, बार बार लोगों से, नेताओं से, राजनेताओं से कही, लेकिन आज तक इस पर किसी सांसद विधायक का ध्यान नहीं। ये सारी सड़क सीसी हो जानी चाहिए, ये कम से कम 40 गांवों को और 2 राजमार्गों को आपस में जोड़ती है, शहर के जाम से बचने के लिए और शहर होकर गुजरने से कम 15 किलोमीटर दूरी का फर्क पड़ता है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना।